दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय माय न्यू स्कूल, दिस इज अमित शर्मा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 3rd कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करने से पहले वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और इसमें जो टॉपिक हमारे आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, पहले हम वो अब डिस्कस करते हैं। पहला आपका टॉपिक आएगा इंट्रो, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन, मीन्स इसमें क्या क्या आप इंट्रो में आप पढ़ेंगे, जो जो इसमें आएगा वो मेन मेन इसमें पढ़ेंगे आप इंट्रो में। सेकंड आपका टॉपिक आएगा एब्सिसा, ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, ये आप सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थर्ड आपका पार्ट आएगा टॉपिक का कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस, दीज थ्री आर रीड इन थर्ड टॉपिक। एंड नेक्स्ट फोर्थ आपका टॉपिक आएगा फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लॉटेड पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स हैं प्लॉटेड है पहले से उनके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने होंगे, वो आप फोर्थ टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लास्ट आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन देन यू हैव टू फाइंड प्लॉटेड पॉइंट्स, प्लॉट पॉइंट्स मतलब उन पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना होगा अगर कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। दीज आर द 5 टॉपिक्स। नाउ वी मूव टू योर टॉपिक, योर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो अब से पहले वाली क्लासेस में 7th में 8th में आपने कभी भी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नहीं पढ़ा, ना इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पड़ी, आपके लिए एक नया चैप्टर है। आगे ऑनवर्ड क्लासेस में इसकी हायर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ये आपका एक तरीके से बेसिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आपने पहले की क्लासेस में जो जो पढ़ा था वो क्या है, एक तो आपने एलजेब्रा पढ़ा, एलजेब्रा में आपने एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इस तरीके से इन वेरिएबल्स का यूज करने पर जो प्रॉब्लम थी वो आपने पढ़ी थी, जैसे मल्टीप्लाई करना है या प्रोडक्ट करना है एक्सेट्रा, वो आपने एलजेब्रा में डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी आपने पढ़ा है 8th क्लासेस में, 7th में भी, उसमें हमने ट्रायंगल या स्क्वायर इन चीजों की शेप को बनाना सीखा था, किस तरीके से शेप बनती है वो हमारा ज्योमेट्री में काउंट होता है। नेक्स्ट आपका आता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में हमने क्या किया था, जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको प्लस करना माइनस करना, जैसे 2+3 या 4-2 एक्सेट्रा, ये सब आपने अर्थमेटिक में पढ़ा था। एक आपने और पढ़ा था मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आपने पढ़ा था किसी भी शेप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना, लाइक है। तो ये वाले पार्ट आपने अब से प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़े थे। अब यहाँ पर हमारा जो आ रहा है टॉपिक वो आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दीज आर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक एंड मेंसुरेशन जो है वो आपकी क्या है, ब्रांचेज है मैथमेटिक्स की, ब्रांच ऑफ मैथ्स सेपरेटली। अब हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मींस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने अलग अलग कर दिया, पहला ले लिया ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मींस होता है मेजरमेंट, ज्योमेट्री का मींस क्या होता है मेजरमेंट, किसी चीज का मेजर करना। जियो, अब जियो जो है वो एक तरीके से अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उनका मेजरमेंट, जियो क्या है अर्थ और उस पर जो भी ऑब्जेक्ट है उनका मेजरमेंट। कोऑर्डिनेट क्या है, एक तरीके से पॉइंट है, मतलब अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनका मेजरमेंट एक पॉइंट के जरिए किया जाएगा, वो हम जो डिस्कस करने वाले हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट ऑन अर्थ बाय पॉइंट इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, और इन ब्रीफ अगर कहा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट को किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को शो करने के लिए जो पॉइंट होता है वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस करते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, जिनका नाम था डेकार्टीज, DESCARTIES, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्क्रिप्शन दिया था या उन्होंने इसको अच्छे से समझाया था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक आपकी क्या है, एक स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथ्स है, दीज आर द आल्सो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एलजेब्रा, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, ऐसे ही आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी क्या है, एक मैथ्स की एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को पॉइंट के जरिए हम उसको शो करते हैं। इन विच, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्या करते हैं, इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू यूजिंग कार्टेशियन सिस्टम, इसमें हम ये भी करेंगे जो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अपने
थर्ड टॉपिक में, जो भी हमारा थर्ड टॉपिक आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये वेल डिफाइंड हो गया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, वो आपने समझा कि जो आपका चैप्टर है उसका मींस क्या है, क्या क्या इसमें होता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंट्रो ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।